ऑन एंड ऑन डायबा लाइफ, मधुमेह रहित जिंदगी की ओर, डायबिटीज के क्षेत्र में एक आविष्कार। आइए इस डायबिटीज को संक्षेप में जान लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस या मधुमेह एक चयापचय विकार है जो इंसुलिन स्राव की गड़बड़ी या इंसुलिन प्रक्रिया में गड़बड़ी या फिर दोनों ही वजहों से होता है। डायबिटीज पैनक्रियाज का विकार है। पैनक्रियाज इंसुलिन नामक एक पदार्थ को खून के अंदर रिलीज करता है जिससे शरीर को ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों में से शर्करा व कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रहण करने में मदद मिलती है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक चयापचयी विकार है। किसी व्यक्ति को जब डायबिटीज होता है तब या तो उसके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते ही नहीं है या फिर अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाते हैं या फिर इंसुलिन बनता तो है परंतु ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाता। डायबिटीज से होने वाली कई गंभीर परेशानियां हैं जैसे हृदय रोग, पैरों में संक्रमण, लैंगिक समस्याएं, अल्जाइमर रोग, स्ट्रोक, मसूड़ों के रोग, सुनने में दिक्कत, स्नायु रोग, घाव का देर से भरना, दृष्टि दोष, किडनी व ब्लैडर फेलियर और गर्भावस्था की पेचीदगी इत्यादि। भारत बहुत तेजी से दुनिया का डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। भारत में अभी करीब 62 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। 2030 तक ये संख्या 100 मिलियन से भी अधिक हो जाएगी। करीब 35% आबादी को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। भारत डायबिटीज कैपिटल क्यों है? इसका एक मूल कारण है एशियन इंडियन फेनोटाइप, जिसमें HbA1c का काउंट बढ़ जाता है। एशियन इंडियन फेनोटाइप में BMI कम होने के बावजूद भी कमर का घेरा काफी ज्यादा हो जाता है। पेट का मोटापा, न्यूनतर एडिपोनेक्टिन, उच्च सी रिएक्टिव प्रोटीन स्तर इत्यादि की वजह से भारतीयों में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। आइए हम इस HbA1c को समझ लेते हैं। जब आप अपने शुगर की जांच कराते हैं जो उस जांच के वक्त का ही होता है, जबकि HbA1c के जांच में आपको 2-3 महीने के औसत स्तर का पता चलता है। इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या A1c भी कहा जाता है। A1c शर्करा युक्त होकर परिवर्तित हो गया एक प्रकार का हीमोग्लोबिन है। जब शरीर शर्करा को प्रोसेस करता है तब रक्त प्रवाह में मौजूद शर्करा स्वाभाविक रूप से लाल रक्त कण के एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। लाल रक्त कण की उम्र करीब 8 से 12 हफ्तों की होती है, इसीलिए HbA1c का मापन इस अवधि के औसत शुगर लेवल को दर्शाता है। बिना डायबिटीज वाले किसी व्यक्ति में ब्लड शुगर लेवल सामान्यतः एक जैसा रहता है, अर्थात खून में मौजूद प्रोटीन में ज्यादा ग्लूकोज संलग्न नहीं होते। HbA1c लेवल अपेक्षाकृत रूप से कम होता है क्योंकि वे ग्लूकोज को रक्त से बाहर करने में सक्षम होते हैं। लेकिन डायबिटीज ग्रस्त लोगों में शरीर शर्करा को रक्त से बाहर करने में सक्षम नहीं होता है और परिणाम स्वरूप ग्लूकोज खून में ही रह जाता है। जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे लाल रक्त कण में और ज्यादा ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं तथा HbA1c का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज संबंधी तकलीफ बढ़ने का खतरा होता है। HbA1c को कम करके आप इस खतरे को कम कर सकते हैं, इसीलिए हर 3-4 महीने में या जब आपके डॉक्टर कहें आपको अपना HbA1c टेस्ट कराना चाहिए। आइए अब ये समझते हैं कि डायबिटीज में आखिर होता क्या है। जब आप कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं तो वो आपके पेट या पाचन तंत्र में ग्लूकोज या शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमें अपने आहार में से ग्लूकोज की जरूरत होती है क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। चीजें जैसे स्टार्च युक्त आहार, शर्करा युक्त आहार, दूध व डेयरी प्रोडक्ट्स एवं फलों इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ग्लूकोज फिर रक्त प्रवाह में जाता है और शरीर ये सेंस करता है कि ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में पेट के ठीक नीचे मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है।
इस इंसुलिन की मदद से हम अपने ग्रहित आहार में से ऊर्जा ले पाते हैं। फिर इस ग्लूकोज एवं इंसुलिन को रक्त प्रवाह के जरिए शरीर के हर उस कोशिका तक पहुंचाया जाता है जिसे ऊर्जा के लिए इसकी जरूरत होती है। इसे आसानी से समझने के लिए इन पेशी कोशिकाओं को देखें। इन पेशी कोशिकाओं के पास वो इंसुलिन ही है जिसकी वजह से ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर समाहित हो सकता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। ऐसे समझें कि इंसुलिन इन कोशिकाओं के दरवाजे पर लगे तालों की चाबियां हैं। जब ये चाबी होगी तभी दरवाजे खुलेंगे और ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जा सकेगा। इस प्रकार ब्लड ग्लूकोज का स्तर नहीं गिरता है, लेकिन लीवर के द्वारा उसमें संचित किए गए अतिरिक्त ग्लूकोज को रिलीज करके इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कभी भी टॉप अप किया जा सकता है। ब्लड ग्लूकोज बार बार बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन पैदा करता है ताकि वो उन बंद दरवाजों के ताले की चाबी बनकर उस ग्लूकोज को रक्त प्रवाह के जरिए कोशिकाओं के अंदर पहुंचा सके। रक्त शर्करा जब ऑप्टिमम लेवल पर होता है तब शरीर उत्तम रूप से काम करता है, लेकिन जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर ही एक साइकिल होता है जो शरीर में इंसुलिन एवं ग्लूकोज स्तर को संतुलित करता है, और ये संतुलन निर्भर करता है हमारे आहार, पैनक्रियाज एवं लिवर पर। कुछ लोगों में जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तब उसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एवं GDM। आइए जानते हैं टाइप 1 के बारे में। डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता है, ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है जिसमें कि पैनक्रियास के अंदर की इंसुलिन निर्माण करने वाली कोशिकाओं को शरीर ने नष्ट कर दिया है। अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि ये कुछ लोगों में क्यों होता है और अन्य लोगों में क्यों नहीं होता। कुल डायबिटीज की आबादी का करीब 10% टाइप 1 डायबिटीज होता है। ज्यादा करके ये 40 साल से कम की उम्र में ही हो जाता है और बचपन में होने वाली डायबिटीज का ये एक मुख्य प्रकार है। आइए अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। डायबिटीज मधुमेह पीड़ितों की कुल आबादी का करीब 90% होता है। पाश्चात्य देशों एवं गोरे लोगों में ये 40 साल की उम्र के बाद होता है, जबकि एशियन एवं भारतीय मूल के लोगों में ये 25 साल की उम्र के बाद हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज थोड़ा जटिल है क्योंकि इसमें अनेक प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं। इसमें या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर बना हुआ इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। ये शरीर का वजन अधिक होने से भी हो सकता है। चर्बी की वृद्धि की वजह से इंसुलिन अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता, लेकिन ये सही वजन वाले लोगों को भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार पेट एवं पाचन तंत्र में सामान्य रूप से ही ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, फिर वो ग्लूकोज रक्त प्रवाह में जाता है। पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण शुरू कर देता है जो ग्लूकोज के साथ रक्त प्रवाह के जरिए शरीर के उन सभी कोशिकाओं तक प्रवाहित होता है जिन्हें ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। परंतु यहां ग्लूकोज किसी भी तरीके से कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि उनके दरवाजों के ताले चर्बी जमा हो जाने की वजह से अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात इंसुलिन भी उन कोशिकाओं के दरवाजों को ठीक से खोल नहीं पाता और इस वजह से शरीर में शुगर लेवल बढ़ता जाता है। इसके प्रतिक्रिया में पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन का निर्माण करता है, अतः रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है और इंसुलिन का स्तर भी बढ़ता जाता है। ये स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो जाती है जब ऊर्जा के लिए व्याकुल कोशिकाएं लिवर को इमरजेंसी सिग्नल भेजने लगती हैं ताकि लिवर अपने संग्रहित ग्लूकोज को रिलीज करे। इस प्रकार ब्लड शुगर का स्तर और भी बढ़ता है और पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाती रहती हैं। पैनक्रियाज ये काम तब तक करती रहती हैं जब तक वो थक ना जाएं, और ऐसे में अंततः वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण बड़ी देर से प्रकट होते हैं और कुछ लोगों में तो इसका कोई लक्षण प्रकट ही नहीं होता है। यही कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोग 10 साल तक भी बिना किसी लक्षण के हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे GDM डायबिटीज की। जेस्टेशनल डायबिटीज मधुमेह रहित किसी भी महिला को होने वाली एक अस्थायी परिस्थिति है।
जिसमें शुगर लेवल ज्यादा होता है। हालांकि इसका ठीक ठीक कोई कारण तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये गर्भनाल के हार्मोन में वृद्धि होने के कारण मां और बच्चे को होता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में ग्लूकोस उनके शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश ही नहीं कर पाता, अतः ब्लड ग्लूकोस का स्तर बढ़ता ही जाता है। शरीर प्रतिरक्षा के तौर पर किडनी के जरिए इस ग्लूकोस के स्तर को कम करने की कोशिश करता है या फिर छुटकारा पाना चाहता है, और यही कारण है कि डायबिटीज वाले लोग बार बार पेशाब करने जाते हैं, क्योंकि किडनी खून के बाद ग्लूकोस को फिल्टर करती है और इसमें बहुत सारा पानी लेती है, जिसके कारण डायबिटीज वाले लोगों को बार बार प्यास लगती है। उनके पेशाब में बहुत सारा ग्लूकोस होता है, जिससे बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल परिवेश मिलता है। इसीलिए अक्सर ऐसे में योनि संक्रमण व खुजलाहट होती है। इसी प्रकार रक्त में भी ग्लूकोस की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से ताजे जख्मों पर सामान्य से ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं और जख्म भरने में देरी होती है। ग्लूकोस आंखों के आगे लेंस में भी जमा हो सकता है, जिससे लेंस के अंदर का तरल धूमिल हो जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज ग्रस्त कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देता है। चूंकि ग्लूकोस शरीर की कोशिकाओं में पहुंच ही नहीं पाता, जिससे कि शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, और परिणाम स्वरूप डायबिटीज वाले लोगों को ज्यादा थकान महसूस होती है और वो अपने दैनिक कार्यों को करने में भी असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की निरंतर जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा पाने के लिए शरीर अपने अंदर संग्रहित वसा को तोड़ना शुरू कर देता है, और यही कारण है कि डायबिटीज में शरीर का वजन कम होने लगता है। इस प्रकार डायबिटीज के मुख्य लक्षणों पर एक नजर डालें तो वो हैं बार बार पेशाब के लिए जाना, ज्यादा प्यास लगना, योनि संक्रमण एवं खुजलाहट, जख्म का देर से भरना, धुंधली दृष्टि होना, थकान महसूस करना एवं वजन में कमी होना। डायबा लाइफ डायबिटीज केयर के क्षेत्र में एक आविष्कार है। डायबा लाइफ लहसुन के अंदर मौजूद स्टेबलाइज्ड एलिसिन पर आधारित है। लहसुन को एक चमत्कारी औषधि के रूप में जाना जाता है। लहसुन का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता रहा है और ये इलाज एवं रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों में से है, जिसका लिखित प्रमाण है। लहसुन प्राचीनतम उगाए जाने वाले पौधों में से एक है, जिसे 5000 से भी ज्यादा वर्षों से उगाया जा रहा है। सभ्यता की शुरुआत से ही लहसुन का प्रयोग होता रहा है, चाहे वो मिस्र का पिरामिड हो या प्राचीनतम मंदिर। मजे की बात तो ये है कि वैसी सभ्यताएं जो कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आई, फिर भी उन्होंने लहसुन का प्रयोग अपने उपचार व चिकित्सा में किया। मिस्र, रोम, चीन, भारत के प्राचीन मेडिकल की पुस्तकों में लहसुन के औषधीय गुणों का विवरण है। हजारों वर्षों से विश्व भर में लोग लहसुन को स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही लहसुन को हर मर्ज की दवा माना गया है। कहा गया है कि इससे साधारण सर्दी फ्लू से लेकर प्लेग तक में फायदा हो सकता है। लहसुन डायबिटीज पर नियंत्रण करने में मदद करता है। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन HbA1c को नियंत्रित करने में बेहद कारगर है, जो कि डायबिटीज कंट्रोल के लिए बेहद अहम है। ये ग्लूकोस टॉलरेंस को सामान्य स्तर में रखने में मदद करता है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एवं एंटीफंगल है। शोधों से ये प्रमाणित हुआ है कि खून में पाया जाने वाला लाल रक्त कण लहसुन के यौगिकों को प्रोसेस करके उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देता है, जो रक्त धमनियों को रिलैक्स करता है तथा रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। बावजूद इन सब के कच्चे लहसुन की अपनी खामियां हैं। कच्चा लहसुन पेट के एसिड से नष्ट हो जाता है। ये आंतों के एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा अपघटित हो जाता है। ये शरीर के पीएच से प्रभावित होता है। ये बदबू एवं मुख दुर्गंध देता है। इन सब का उपाय है 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन। एलिसिन लहसुन का प्रमुख जैविक घटक है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं। 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन यूरोपियन वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर जोसलिंग का आविष्कार है।
इस 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन को लेकर यूरोपियन वैज्ञानिक डायबिटीज केयर के लिए एक अनोखा फॉर्मुलेशन तैयार किया है जिसका नाम है डायबालाइफ। डायबालाइफ का अर्थ है मधुमेह रहित जिंदगी की ओर। डायबालाइफ एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये डायबिटीज पीड़ित लोगों के लिए एक प्राकृतिक पथ्य है तथा बाकी सबके लिए बेहद स्वास्थ्यप्रद है। एक छोटा सा 210 मिलीग्राम का कैप्सूल कच्चे लहसुन की 36 कलियों को खाने के बराबर है। डायबालाइफ अनुसंधान पर आधारित तथा जबरदस्त हर्बल घटकों से बना है। ये 5 बेहतरीन घटकों से बना है। 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन, करेला या बिटरगार्ड, दालचीनी या सिनेमन, अल्फा लिपोइक एसिड एवं क्रोमियम पिकोलिनेट। डायबालाइफ की विशेषताएं या USP। डायबालाइफ डायबिटीज केयर के क्षेत्र में एक आविष्कार है। भारत में पहली बार अनुसंधान आधारित एवं चमत्कारी प्रोडक्ट 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन से बना, 100% शुद्ध शाकाहारी कैप्सूल में बना, यूके ग्रास प्रमाणित घटकों से बना, नॉन GMO घटकों से बना, पेटेंटेड फॉर्मूला, यूके GMP अनुमोदित गुणी घटकों से बना, EJNR द्वारा सत्यापित घटक, MHRA द्वारा अनुमोदित घटकों से बना, डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल ट्रायल, मार्केट में इकलौता प्रोडक्ट, कोई कंपटीशन नहीं, विश्व के कई अन्य देशों में मौजूद। पूरी तरह से प्राकृतिक, कोई दुष्परिणाम नहीं। डायबालाइफ डायबिटीज के लिए खास तौर पर बनाया गया हमारा पहला फॉर्मूला है। इसके अंदर अनेक घटक हैं, लेकिन एलिसिन स्पष्टतः मुख्य घटक है जो टाइप 1 एवं टाइप 2 डायबिटीज में बेहद प्रभावी है। HbA1c को नियंत्रित करने में एलिसिन बेहद कारगर है। HbA1c हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने वाले ग्लूकोज का मापन है जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए बिल्कुल अहम है। डायबालाइफ में मौजूद दूसरे अन्य घटक भी बेहद फायदेमंद हैं जो शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं तथा ग्लूकोज टॉलरेंस की सामान्य स्थिति को सुनिश्चित करते हैं। डायबालाइफ का उद्देश्य प्री डायबिटिक लोगों को डायबिटीज से बचाना है। डायबालाइफ पाचन प्रक्रिया में से ज्यादा न्यूट्रिएंट व विटामिन्स अवशोषित कराता है तथा इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है जिससे कि प्री डायबिटिक स्थिति में कमी आती है। डायबालाइफ सबके लिए फायदेमंद है। डायबालाइफ ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। डायबालाइफ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबालाइफ इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। डायबालाइफ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। डायबालाइफ का R&D एवं प्रोसेसिंग अत्याधुनिक तकनीकी युक्त संयंत्रों में किया गया है। डायबालाइफ मधुमेह रहित जिंदगी की ओर।